सर्वत्र भगवान का दर्शन करो, प्रभु कृपा का दर्शन करते रहो। पाताल में तस्य हि पाद मूलम, मूल जो है पाताल लोक वो भगवान के चरण है। तो जब आप सर्वत्र भगवान को देखोगे तो माता बहनों, संसार में तीन जीव हैं, तीन प्रकार के लोग हैं। कोई तो भगवान का जो पूजन करते हैं, पूजा करते हैं, वो कामना से भजते हैं। कुछ लोग निष्काम भाव से भजते हैं। कोई परमात्मा को भजते हैं मोक्ष के लिए। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्तियोगेन यजिता पुरुषं परम। वो जो विराट पुरुष भगवान है ना, तो तीन प्रकार अकाम कहते हैं, और शब्द को संस्कृत में नहीं कहते हैं, मतलब जो निष्काम भाव से भगवान को भजते हैं वो अकाम है। सर्व कामो वा, अधिकतर लोग सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान का भजन करते हैं, और संत जन प्रभु को भजते हैं मोक्ष पद पाने के लिए। मोक्ष कामो वा, मोक्ष काम उदार धी, तीव्रेणा भक्ति योगिना यजिता पुरुषम परम। उन प्राण पुरुषोत्तम भगवान का भजन करते हैं। सुखदेव जी ने यहाँ पर राजा परीक्षित को दो प्रकार की मुक्ति बताई, एक है सद्यो मुक्ति, एक है कर्म मुक्ति। साधना के द्वारा जो मुक्ति पाई जाती है, ध्यान देना, उस मुक्ति को कहते हैं सद्यो मुक्ति, और जो कर्म के द्वारा पाई जाए वो है कर्म मुक्ति। कर्म मुक्ति सर्वत्र प्रभु का दर्शन करते हुए सेवा भाव रखो, और सेवा करके जिस मुक्ति को हम पा जाएं उसी को कर्म मुक्ति कहते हैं। बाबा लोग भगोया वस्त्र धारण करके, घर बार छोड़ छाड़ करके माता बहनों परमात्मा का भजन करते हैं। तो हमारे शरीर में नौ द्वार है, ध्यान देना, तो नौ जो द्वार हैं, जो वो सब खुले हैं, नौ छिद्र हैं वो खुले हैं, लेकिन एक जो छिद्र है, एक द्वार है वो बंद है, और वो द्वार महात्मा लोग साधना के बल पर उसको खोल करके और वहीं से अपने प्राण निकाल करके और फिर मोक्ष पद के अधिकारी बन जाते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। ये यहाँ पर होता है ना तालू, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, यहाँ छोटे बच्चे का होता है ना, यहाँ पे ये ब्रह्मरंध्र है। तो प्राणायाम के द्वारा जब हम अपने तेज को उर्ध्वरेत करते हैं तो वही तेज परमात्मा का अंश बन करके और वहां से उसका भेदन करके सीधे ब्रह्म में मिल करके और उस जीवात्मा को मुक्ति प्रदान कर देता है, तो उसको कहते हैं सद्यो मुक्ति। एक दिन भगवान ब्रह्मा जी बैठे थे ध्यान में, देवऋषि नारद ने देखा, अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, हे पिताश्री आप किसका ध्यान कर रहे थे? पिताजी क्या आपसे बढ़कर भी संसार में कोई भगवान है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र मैं तो बहुत बहुत छोटा सा देव हूं, इस जल में सोने वाले भगवान को कहते हैं नारायण, नारायण की नाभि से कमल निकलता है और पुत्र उस कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। कौन कह रहे? ब्रह्मा जी।
और उन्हीं भगवान ने मुझे विधाता बना करके तब मैंने सृष्टि का विस्तार किया। देवऋषि नारद ने कहा, पिताजी इतने बड़े भगवान हैं तो मुझे भी उनके बारे में बताओ। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। ये जो श्रीमद् भागवत है ये नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को, नारद जी के द्वारा वेदव्यास जी को, व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को, और सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित ऋषियों को, और ऋषियों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। अहमीवा समीवाग्री नान्यद्यत् सत्परम् पश्चादहम् यदि तच्चा यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतीर्था यत् प्रतीता न प्रतीति चात्मनि तद् विद्यातात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा। ब्रह्मा जी कह रहे, हे पुत्र, जब कुछ भी नहीं था तो तब वो भगवान थे, अब सब कुछ है तो वही भगवान की ही कृपा है। और पुत्र, जब अंतिम में लय हो जाएगा ये संसार, तब भी वो परमात्मा बचते हैं। अहमेवा समेवा अग्रे, अग्रे पहले भी उनकी महिमा है और अंत में भी वही बचते हैं पुत्र। चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताई। यहाँ द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में भागवत जी के 10 लक्षण बताए। अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पूषण मूतया मनमंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे महाभारत की कथा बताई। ध्यान दें, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, यही चलते स्कंद में मैत्री मुनि और विदुर जी के संवाद की भी चर्चा है। राजा, जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो उन भगवान ने चाहा कि युद्ध ना हो, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सांत्वना दे करके माता बहनों आज दुर्योधन के पास गए। तो दुर्योधन को पता लगा कि शांति दूत बनकर के श्री कृष्ण हमारे यहां आ रहे हैं। तो ये जो दुर्योधन है ना, दुर्योधन का अर्थ होता है कि दूसरे के धन पर जिसकी नजर रहे वही दुर्योधन है। नजर मतलब हड़पने की। तो दुर्योधन ने दिखावा किया। क्या दिखावा किया? कि पूरे हस्तिनापुर को सजा दिया और कहा द्वारिकाधीश का इतना स्वागत करना, इतना स्वागत करना कि वो प्रसन्न हो जाए। देखिए भगवान देखते क्या हैं, वैभव देखते हैं, ऐश्वर्य देखते हैं, किसी की खूबसूरती देखते हैं। मेरे प्रभु को किससे प्रेम है, इस बात को इस कथा से बता रहे हैं। तो सुंदर द्वारिकाधीश रथ पर बैठ करके आज दुर्योधन के पास जा रहे हैं। जैसे ही दुर्योधन के द्वार पर पहुंचे तो दुर्योधन के सैनिकों ने और सेवकों ने भगवान द्वारिकाधीश का खूब स्वागत किया। भीड़ लगी हुई थी, उस भीड़ में विदुर जी महाराज भी पीछे से भगवान के दर्शन के लिए चले गए थे। सब लोग अपना अपना स्वागत कर रहे, कोई माला पहना रहे, कोई कुछ कर रहे, स्वस्ति वाचन पढ़ रहे। ब्राह्मण देवता भगवान का बहुत सुंदर स्वागत हुआ। तब दुर्योधन भगवान का हाथ पकड़ करके और अपने महल में ले जाते हैं।
जलपान कराया, भगवान ने जलपान ग्रहण किया। बाद में दुर्योधन ने कहा, द्वारिकाधीश आज आप आए कोई विशेष बात? मेरे भगवान ने कहा, हे दुर्योधन,